हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बेहतर होंगे। मैं अंजलि गिरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में, किन्हें चुना गया है शांति के नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्टॉकहोम की रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा नरगिस मोहम्मदी को प्रतिष्ठित शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह पुरस्कार ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनकी लड़ाई के लिए प्रदान किया गया है। और रॉयल स्वीडिश अकादमी के अनुसार इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार उन लाखों लोगों को भी सम्मानित करता है जिन्होंने महिलाओं को निशाना बनाने वाली भेदभाव और उत्पीड़न की धार्मिक शासन की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। तो आइए हम लोग जानते हैं नरगिस मोहम्मदी के बारे में, जिन्हें की शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो नरगिस मोहम्मदी का पूरा नाम नरगिस सफी मोहम्मदी है। इनका जन्म 21 अप्रैल 1972 में हुआ था, यानी कि ये 51 ईयर्स की हैं अभी। मोहम्मदी एक मानवाधिकार वकील और स्वतंत्रता सेनानी है। नरगिस मोहम्मदी की हक की लड़ाई के लिए उन्हें 13 बार गिरफ्तार किया गया है, 31 साल की जेल भी हुई है और उन्हें 154 कोड़ों की सजा भी सुनाई गई है। ईरान में उनको सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए गिरफ्तार किया गया है, अभी भी वो जेल में ही हैं। और महिलाओं की आज़ादी और उनके हक के आवाज़ उठाने के लिए नरगिस ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है वाइट टॉर्चर। इस बुक में नरगिस मोहम्मदी ने जेल में रहते हुए कैदियों का जेल में दर्द महसूस किया, उसे इस किताब में दर्ज किया है। कैदियों के अनुभवों को दर्ज करने के लिए और महिलाओं की आवाज़ उठाने के लिए उन्हें 2022 में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के साहस पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जाना किन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है और थोड़ा नरगिस मोहम्मदी के बारे में। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।